हेलो एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पेपर पेस्टिंग से बनाना सीखे ब्यूटीफुल गला। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पेपर पेस्टिंग ले लिए। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखे हैं। इस तरफ खुला पार्ट है और इस तरफ हमारा बंद पार्ट है पेपर पेस्टिंग का। पेपर पेस्टिंग का लंबाई है यहाँ पर 14 इंच और चौड़ाई है यहाँ पर 6.5 इंच। जिस तरफ हमारा पेपर पेस्टिंग फोल्ड हुआ है, देख लीजिए बंद पार्ट जो है, उस तरफ से आपको निशान लगा लेना है गले के लिए। तो अगर आपको नॉर्मली गला चाहिए तो यहाँ पर जैसे इस गले में डोरी नहीं लगता है, 2 इंच या 2.25 इंच का रखेंगे जब आप ऊपर की तरफ से तो डोरी नहीं लगेगा, और 2.5 इंच पे रखेंगे तब भी नहीं, डोरी लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आर्महोल हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं शोल्डर, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 2.5 इंच पे रखेंगे तभी हमारा गला नहीं गिरेगा। लेकिन हमें रखना है कितना, 2.75 इंच। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें 2.75 इंच पे निशान लगा लेना है। हमें चाहिए भारी गला और हम बंधन के साथ लगाएंगे, वो वाला हम गला आपको बता रहे हैं। 2.75 इंच पे आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से गला रख लेना है हमें यहाँ पर 11 इंच नीचे की। अगर ऊपर की तरफ से हम 2.75 इंच रखे हैं तो नीचे की तरफ से हम 2.75 इंच रखेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2.75 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब इस तरफ से इस तरफ निशान को मिला लेना है। ये देख लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर देख लीजिए एक चौकोर बॉक्स बन चुका है। अब इस चौकोर बॉक्स में आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, जैसे मिटका हो गया, पान गला हो गया, और अगर आप बहुत डिजाइन होता है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए आज हम मिटके गले पे निशान लगाएंगे इसमें, और इस तरफ से ब्यूटीफुल डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मिटके के लिए यहाँ पर ऐसे यहाँ से उठाना है और यहाँ से ऐसे। यहाँ पर आप नोखा भी निकाल सकते हैं, नहीं नोखा निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपको पसंद हो। यहाँ पर नोखा भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हम नोखा नहीं निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे लाना है और यहाँ से इस तरफ से ऐसे राउंडिंग में ले लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मिटका का शेप एकदम बहुत ही खूबसूरत निकल चुका है। अब निशान को हम हल्का गाढ़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मिटके गले पे निशान लग चुका है। अब इसके बगल में हमें इस तरफ से 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरफ से, तो यहाँ पर इस तरह से आपको निशान को लगा लेना है, यहां तक लगाना है। उसके बाद ऐसे लाना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है। ये देख लीजिए एक डिजाइन हो चुका है। उसके बाद यहां से उठाना है और यहां से ऐसे कर देना है। ऐसे कर देना है। उसके बाद अब एक और उठाना है ए यहां से, और यहां से भी आपको ये देख लीजिए ऐसे कर देना है, और यहां से एक उठाना है तो यहां पर ऐसे कर देना है। अब निशान को गाढ़ा कर लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए हम निशान लगा चुके हैं। अब इसे हम पेपर पेस्टिंग को कटिंग करते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, आधा इस तरफ से कटिंग कर लिए, अब आधा इस तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मिटका गला तो कटिंग हो चुका, अब यहां से कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर पेस्टिंग का गला कटिंग हो चुका है। ये देख लीजिए इस तरीके से,
बहुत ही खूबसूरत हमारा यहाँ पर मेटका गला भी बन चुका है। अब मेटके गले के बगल में ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर गला बन चुका है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से बन चुका है फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कैसा लगा हमारा गला पेपर पेस्टिंग का?